येदियुरप्पा को सीएम फेस न बनाना पड़ा, बीजेपी को महंगा। 2024 के पहले मोदी शाह की नींद उड़ी, क्यों हुई हार, पूरा खेल समझिए। हार का डर देख बीजेपी ने बजरंगबली का लिया था सहारा, पर अब बजरंगबली भी पार न लगा पाई बीजेपी का बेड़ा। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न बनाना पड़ गया भारी। येदियुरप्पा की जाति का 100 से अधिक सीटों पर है प्रभाव। कर्नाटक में जीत का दावा कर रहे बीजेपी को बड़ा झटका। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, 13 मई को परिणाम आने थे, अब इसकी गिनती भी शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार करता दिख रही है, जिससे मोदी शाह की नींद उड़ गई। एग्जिट पोल ने भी दिखाई थी कांग्रेस की जीत, अब रोह हो रहा है सच, आने लगे हैं नेताओं के बयान। येदियुरप्पा ने आखिर कैसे कर दिया बीजेपी का खेल खराब, कैसे पड़ गया येदियुरप्पा को नजरअंदाज करना भारी, आखिर क्या था येदियुरप्पा का समीकरण, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री उम्मीदवार न बनाना पड़ा भारी। भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई की जगह पार्टी के विवृत नेता बीएस येदियुरप्पा को अपना पोस्टर बॉय बनाया था, लेकिन वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं थे। जाहिर है भाजपा की ओर से बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाए जाने के बाद राजनीतिक विश्लेषक ने पहले ही लिंगायत वोट के छिटकने के कयास लगा रहे थे। लिंगायत कर्नाटक में राजनीतिक प्रभाव वाला एक प्रमुख समुदाय है, करीब 100 विधानसभा सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। बीएस येदियुरप्पा की इस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है। लिंगायत मठों के 100 से अधिक संतों ने येदियुरप्पा को अपना समर्थन दिया था, लेकिन अपने नेता को सत्ता में नहीं देखने के कारण लिंगायत समुदाय असंतुष्ट था और उसका नतीजा चुनाव परिणामों पर भी दिख रहा है। भाजपा ने कर्नाटक में 2013 में पहली बार बीएस येदियुरप्पा के बिना चुनाव लड़ा था और उस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। तब भाजपा सिर्फ 40 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस ने 121 सीटें हासिल की थी। 80 साल के बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह कर्नाटक में भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं। हालांकि वह एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। हाल ही में सक्रिय राजनीति से संन्यास का ऐलान करने वाले येदियुरप्पा भी भाजपा संसदीय बोर्ड के मेंबर्स हैं। बीजेपी कांग्रेस आपस में भिड़ी। कर्नाटक चुनाव के नतीजे कुछ ही देर में जारी हो जाएंगे, उससे पहले नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई। जनता दल सेकुलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने चुनाव नतीजे जारी होने से पहले कहा, अगले 2 से 3 घंटे में सब साफ हो जाएगा। एग्जिट पोल में दिख रहा है 2 राष्ट्रीय पार्टियों का स्कोर बड़ा रहने वाला है। एग्जिट पोल में जेडीएस को 30 से 32 सीटें दी गई हैं। जेडीएस एक छोटी पार्टी है और मेरी कोई मांग नहीं है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सिर्फ अच्छा विकास हो। जेडीएस नेता ने यह भी कहा कि उनसे अभी तक किसी पार्टी ने संपर्क नहीं किया। वहीं एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस पार्टी उत्साहित है और ये उत्साह उसके नेताओं के बयानों में भी झलक रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के रहमान खान का कहना है, आज बड़ा दिन है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को जीत मिलेगी। हम 120 सीटों से ज़्यादा जीत रहे हैं और कांग्रेस आराम से बहुमत पालेगी। यह सिर्फ एग्जिट पोल में ही कांग्रेस को विजेता नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ज़मीन पर भी यह दिख रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं, कर्नाटक में बहुमत हासिल करेगी और सरकार बनाएगी। हमें पूरा विश्वास है हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस एग्जिट पोल के नतीजों से इतनी उत्साहित है, कर्नाटक चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी समर्थक ढोल नगाड़े के साथ पहुंच चुके हैं।